Alma Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Alma's Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. गुड आफ्टरनून आदाब। प्रोग्राम हेल्थ केयर में अपने तमाम प्यारे नाज़रीन का एक दफ़ा फिर एक ताज़ा लाइव फ्रेश एपिसोड में खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत खुश आमदीद जी हाँ हमारे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और हमारे साथ एक दफ़ा फिर इस लाइव एपिसोड की जानिब से हमारे साथ आप जुड़ चुके होंगे। एक दफ़ा फिर इस एक घंटे में वो तमाम ऐसी बातचीत आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी जिनसे आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जी हाँ, आप एक बेहतर सेहत गुजार सकें। कहते हैं कि अगर आप आज नज़र डालें तो इस तरक्की याफ्ता दुनिया में, इस प्रोग्रेसिव नेशन में हर चीज़, जी हाँ हर चीज़ हासिल की जा सकती है। यहाँ तक कि अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी की तरकीबें भी जो हैं वो अब हासिल हो चुकी हैं, वो अब हमें मैसर हैं। बस करना हमें यह है कि उन तरकीबों को समझना है, उन तरकीबों को बहुत ही खुले दिमाग खुले दिल से उसे अंडरस्टैंड करना है और फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। और उसके लिए आपने अलमास मेहंदी पट्टनम की जानिब से आई हुई डॉक्टर सारा को सुनना है, समझना है और इनकी एक छोटी छोटी टिप्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके कोशिश तो करके देखिए कितने बड़े डिफरेंसेस आप यकीनन देख सकेंगे। एक दफ़ा फिर अपने इस प्रोग्राम में डॉक्टर सारा तशरीफ़ ला चुकी हैं हमारे इस लाइव एपिसोड में। लाइव आप इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। जी हाँ, मेहंदी पट्टनम अलमास क्लिनिक से आप हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा एक दफ़ा फिर लाइव एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने के लिए। यू वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। हर एपिसोड में डॉक्टर सारा आपसे छोटी छोटी बातें हम जानते हैं जो वाकई हमारी ज़िंदगी में जब हम अप्लाई करते हैं तो देर रियली ब्रिंगिंग इन बिग डिफरेंसेस। आज एक दफ़ा फिर हम कुछ छोटी छोटी सवाल आप तक लाएंगे जिनका इंशाल्लाह आप ट्रीटमेंट और आप उनके सॉल्यूशंस हम तक और हमारे तमाम प्यारे व्यूअर्स तक पहुंचाएंगी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको मुतमईन कर सकूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं हकीकत आपके सामने जैसी है वैसी बयान कर सकूं। डेफिनेटली डॉक्टर सारा, अगर हम नज़र डालें तो ज़िंदगी में आजकल बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, बड़ी बीमारियां, बड़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। एक बारी बहन है जिन्होंने हमको ईमेल के जरिए अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश की है। ये कहती है कि इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं एंड ये तब से कोशिश कर रही है टू कंसीव, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंसीव नहीं कर पाती हैं। अगर कंसीव कर भी पाती हैं तो शी हैज़ टू गो थ्रू मिस कैरेजेज एंड इस तरह से इनको अनफॉर्चुनेट चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इनके डॉक्टर जिनके इनके ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो बढ़ता हुआ इनका वजन भी वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी बताती है। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी ये बहन हमारे शो के साथ जुड़ी हैं और उन्होंने चाहा है कि ये सवाल हम डॉक्टर सारा से पूछें। अलमास के पास मेरी इस इनफर्टिलिटी का क्या ट्रीटमेंट है और मुझे क्या करना है, मैं बहुत उदास बड़ी मायूस हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एंड बहन मैं आपसे आई डोंट नो योर नेम बट एक बात से मैं आज शुरुआत करना चाहूँगा कि मायूसी कुफ्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए औलाद अल्लाह की एक नेमत है, अगर वो दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो ना भी दें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। एंड सबर, सबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। देर आर टू थ्री प्रॉब्लम्स दैट शी इज़ गोइंग थ्रू। द फर्स्ट थिंग इज़ के इनफर्टिलिटी के चलते हुए आपने 10 ईयर्स में आई एम श्योर कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अपनी बॉडी पे होने दिए। बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग थ्रू इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मोटापा। सो ऑन एन एवरेज अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें अगर और इसके साथ पैरेलली हम ओबेसिटी की बात करें तो देखिए बढ़ता हुआ वज़न, चाहे वो 5 kg या 7 kg क्यों ना हो, आपके जिस्म की हरकत में एक बहुत बड़ा चेंज लाता जो अपनी नज़र से बच जाता। क्योंकि अपनी नज़र तो अपने बाल, अपने स्किन, अपनी टमी, अपने फिगर पे रहती, बट पॉइंट बात यह है कि इंटरनली इन्हें जो हार्मोन चेंजेस लाने लगता उसके वजह से इंटरनल डिपोजिशन ऑफ फैट भी बढ़ते जाता, जिससे आपके एग काउंट और आपके मुख्तलिफ फंक्शंस में भी बहुत बड़ी मुसीबतें खड़े हो जाती। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे जो लोग ओबेस हैं
वो ये बात को नज़रअंदाज करते हुए इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लेते, जबकि फैक्ट बात ये है कि कम वेट अगर आप अपना करें तो ऑटोमेटिकली चांसेस आपके बढ़ जाते कंसीव करने के. ना बीच का रास्ता अपने को निकालना है, क्योंकि अपन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, हॉर्मोन्स का इस्तेमाल कर चुके हैं, और जो वेट इनिशियली ज़्यादा था वो अब और ज़्यादा हो गया. सो आई विल गिव यू अ सिंपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. देखिए, नेमत का अदा करना बंदे को, ये तो डेफिनेटली अल्लाह के हाथ में है, बट क्या अलमास क्या कर सकता, और मैं यहाँ पे आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं इसका खुलासा कर देता हूँ. मोटापा ही आपको ये प्रॉब्लम के कतार पर ठहराया, प्लस आप उसके लिए जो दवाइयाँ यूज़ करें, आपको मोटापा और बढ़ गया. अब मोटापा ही आपके इनफर्टिलिटी का के वास्ते सबसे बड़ा रीज़न बन चुका है. आई एम श्योर अब ये स्टेज में अगर वो कोई डॉक्टर के पास जाती भी हैं तो डॉक्टर ये बताएंगे कि अगर मैं आपका कुछ इलाज करना चाहूँ, उस इलाज से आपको फ़ायदा पहुँचना है, तो हम अपना फैट कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल इलाज है. इसका इलाज डाइटिंग या एक्सरसाइज नहीं है. इसका इलाज एक स्टुपिड सा पाउडर या एक छोटा मोटा गोली नहीं है. इसका इलाज है अपने टमी और अपने हिप रेशियो को श्रिंक करना. यानी जो चर्बी अपने वेस्ट लाइन में जमा होके बैठी है, इसको अगर अपन जल्द से जल्द एम्प्टी करें तो ऑटोमेटिकली हार्मोन फंक्शनिंग नॉर्मल होने के तरफ स्टार्ट हो जाती. प्लस अगर हम इसके साथ क्लबिंग करें वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट का, तो देयर आर चांसेस व्हिच लुक्स ब्राइट फॉर अ प्रेगनेंसी. सो आई कैन क्लियर द फैट इन व्हिच इज कमिंग इन द वे ऑफ योर इनफर्टिलिटी इशू. ये पॉसिबल है. देखिए, क्लिनिक लेवल पे अलमास पे जिस कस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मेन मुद्दा ही ये है कि फैट जो आपकी बीमारी की अहम वजह बन गया, इसको अपन डेड कर देना, इसको अपन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, मेल्ट डाउन कर देना, और आपकी बॉडी से नेचुरल तरीके से बाहर करना विदाउट एनी मेडिकेशन एंड विदाउट एनी सर्जरी. ऐसा ट्रीटमेंट हम क्लिनिक लेवल पे अंजाम दे रहे हैं कि आपकी बॉडी का फैट भी कम हो जाए एंड धीरे धीरे आपके हॉर्मोन स्टेबल हो जाए और आपकी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शनिंग वेट मैनेजमेंट को कंसिस्टेंटली लेके चले. ये बात अपने को समझना जरूरी है. देखिए, आप तो क्वेश्चन पूछे और अपना दिल हल्का कर लिए. आपके जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो शोज देख रहे हैं, जो बीमारी में मुब्तला है. ये बात को अपन समझना है कि ओबेसिटी को बढ़ने दिए अगर अपने आप में, फैट परसेंटेज को अगर अपन अपने आप में बढ़ने दिए, तो ये आपको एक टाइम एक ऐसी बीमारी के तरफ लाके खड़ा कर देता जहाँ पे अगर डॉक्टर गोली भी देना चाहा तो उन्हें आपको पहले वेट कम करो बोलता, वरना ये गोली असर नहीं करती. सो प्लीज इस बीमारी को नज़रअंदाज ना करें. इनिशियल स्टेजेस में जो काम सस्ते में, जो काम सिंपल तरीके से कम कर दिया जा सकता, उस काम को पूरा बढ़ा के और दवाइयों का इस्तेमाल करके और मोटे होके और परेशानी में आने के बाद अगर आप लाएंगे, तो प्रॉब्लम इज कि ये प्रॉब्लम तो फिर भी मैं सॉर्ट आउट करके दूंगा, लेकिन जो स्ट्रेस, जो ट्रॉमा, जो मेंटली आप परेशान हुए हैं, इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे अपन. राइट? सो ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और इससे जो सीख मैं लेता हूँ, मैं अपने आप पे इम्प्लाई करना चाहूंगा, प्रॉब्लम किसी की भी हो, जिसको अगर मैं सीख, हर पेशेंट मेरे को कुछ सिखा के जाता क्लिनिक पे, या सो एवरी टाइम मैं अपने सेहत को लेके इसी वास्ते इतना अलर्ट पे होता हूँ. यू आर माई पेशेंट, आई एम हेल्पिंग यू गेटिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम, बट यू इन टर्न आर टीचिंग मी के या आई हैव टू बी केयरफुल हियर, या इट इज एन अलार्मिंग थिंग फॉर मी. ये एटीट्यूड मैं और आपके जैसे लाखों लोगों का अगर हो जाए, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से दूर हो जा सकते. देखिए, मोटापा चाहे वो 5 या 7 kg का क्यों ना हो, इट क्रिएट्स अ लीथल डैमेज टू द ऑर्गन्स इनसाइड. अब ये किसको डैमेज दे रहा है और किसको डैमेज नहीं देने वाला है, ये अल्लाह का फैसला है. बट फैक्ट बात ये है कि मोटापा अगर है,
तो ये डैमेज देने वाला है, और अगर ये डैमेज हो चुका है तो इससे भी आपको बाहर निकाला जा सकता, उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजिम हो जाता। ये टेक्नोलॉजी चाहे वो फैट फ्रीजिंग हो, चाहे वो नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन हो, चाहे वो लेजर लाइपोलाइसिस हो, चाहे अल्ट्रासोनिक लाइपोलाइसिस हो, जो भी हो, अलमास पे मौजूद है। प्रॉब्लम में अगर अपन पड़ चुके हैं तो इससे बाहर निकलने के लिए प्लीज क्लिनिक पे पहुंचे। अगर हम प्रॉब्लम को झेलते हुए, लोगों से छुपाते हुए क्वाइटली सह रहे हैं, तो प्लीज ये काम मत करें। अपने घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिसकी बढ़ती हुई उम्र है, कोई बच्चे बच्चियां जितना वजन होना है उससे कम मेंटेन कर रहे हैं। ये बॉडीज भी हार्मोन इम्बैलेंस के तरफ जा रही, क्योंकि इनकी बॉडी में न्यूट्रिशन उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से हार्मोन बनना चाहिए, उस लिहाज से उसको मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो अंडरवेट होना भी एक बहुत बड़े हार्मोन के प्रॉब्लम के तरफ लेके जाने वाला है। अगर आपके घर में बच्चे बच्चियां हैं जो यंग है, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, अगर ये बच्चे बच्चियां हैं और आपको कंप्लेन कर रही कि मम्मा या पापा कि मेरे बाल झड़ रहे, मेरा स्किन ऐसा हो रहा है, तो ये भी एक बैड फैट कंडीशन इन द लिवर का सबब बन जाता, जो आगे जाके हार्मोन इंबैलेंस देने वाला है। ये कैसी बीमारी में मुब्तला होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। हर इंसान में, हर एज में, हर रहन सहन अलग है, सो लोगों में ये बीमारी जिसका नाम मोटापा है वो अलग डैमेज देती। तो प्लीज निप इट इन द बड। प्लीज जब ये शुरुआती तौर पे है, जब तक अपन क्रॉनिक पीसीओएस में मुब्तला नहीं हो रहे हैं, अपन वेट नहीं कम करना चाह रहे हैं, जब तक अपन थायराइड, बीपी, शुगर के गोलियां बढ़ाते चले जा रहे नहीं, अपन वेट नहीं कम करना चाह रहे हैं, जब तक अपने घुटनों में, अपने हड्डियों में गैप नहीं आ रहा है जिसका इलाज कुछ भी नहीं है, तब तक अपन मोटापे को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है। मोटापा एक 100% क्योरेबल, ट्रीटेबल एंड रिवर्सिबल डिजीज है। जो थायराइड नहीं है, जो शुगर नहीं है, जो बीपी नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो जब इसको अपन 100% रिवर्स कर सकते, तो फिर अपन किस बात का सोच रहे हैं? क्या अपन ये चाह रहे हैं कि अपन आगे बीमार होके, परेशान होके, मेंटल ट्रॉमा में जाके और एक्स्ट्रा पैसा दवाइयों पे खर्चा करके हम मोटापा कम करें? ये सोच आपकी है, ये आपको सोचना है। अलमास क्लिनिक इज रेडी, रेडी विथ पेशेंट्स, रेडी विथ 100% रिजल्ट्स, रेडी विथ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ दिस। It is you who have to start now. Great, great. Definitely, जनाब, ये एक अलार्मिंग प्रॉब्लम है। हर कोई इस प्रॉब्लम से वाकिफ है। मोटापा जिस तरफ, एक तरफ अगर देखा जाए, वेट गेन एक अलार्मिंग प्रॉब्लम बन के सामने आ रही है। डॉक्टर साहिबा ने जिक्र किया, हम उनसे और भी एक सवाल की शक्ल में उससे और कुछ मजीद जानेंगे। अंडर वेट भी इक्वली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, आपके पास यकीनन पेशेंट्स आते हैं, जैसे आपने कहा मोटापा, ओबिसिटी, ये तो एक बहुत ही अलार्मिंग प्रॉब्लम है, रिसर्च एंड सर्वेज ये प्रूव कर रहे हैं। सिमिलरली, हाउ कॉम्प्लिकेटेड एंड हाउ बैड इज अंडर वेट? अगर एक टीनेजर अंडर वेट है तो आगे जाके उसे किन किन कॉम्प्लिकेशन से गुजर वो सकती है, और उसने फॉरन इमिडिएट स्टेप क्या लेना है? देखिए, अंडर वेट इज एन इवन मोर, अगर आप मेरे को, मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप मेरे से बात करें, क्योंकि हम लोगों का रात दिन का काम आप ही लोगों के बीच में हो रहा है, तो आप ही लोगों का सर्वे और आप ही लोगों की डेटा रिसर्च अगर हम करें, तो इस बात का खुलासा करने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आज बीमारियों के शिकार है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आज मॉर्बिड ओबेसिटी, सिवियर ओबेसिटी, बैड स्किन कंडीशन, मेलास्मा, ये सारी चीज़ों के शिकार हैं, उन लोगों में से 70% ऐसे लोग हैं जो शुरुआती तौर पे अंडरवेट थे, राइट? जो लोग अंडरवेट हैं, उनके जिस्म में उतनी खुराक मिल ही नहीं पा रही कि जिस्म अपना काम अंजाम दे सके। अपने जिस्म के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते, एक अपना नॉर्मल फंक्शनिंग को उन्हें नॉर्मल होते रहना, यानी हार्ट बराबर चलना है, किडनीज बराबर फंक्शन करना है, ब्रेन का काम, ब्रेन बराबर, सब काम बराबर बराबर से होना है। तो इसके वास्ते उसके लिए कुछ खुसूसी न्यूट्रिशन की उसको रिक्वायरमेंट होती। जब हम अंडरवेट होते, हम ये मेजर फंक्शनिंग को पूरा करने का
यू नो रिक्वायर्ड नरिशमेंट नहीं दे सकते. सो इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी अंडरवेट होते हुए भी मैनेज कर रही है. आपको ये नहीं बता रही है कि व्हाट यू आर गिविंग मी इज लेस. तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता कि मेरे बंदे को बीमारी से कम बचाना, ये उम्मीद से कि आप अपने आप की फिक्र करेंगे, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे. इस उम्मीद से आपकी बॉडी इट कीप्स ग्रोइंग एंड सेविंग यू फ्रॉम द डिजीज. बट एक वक्त बॉडी में ऐसा आता, जैसा उम्र बढ़ी है ऑर्गन्स एज हो रहे हैं, और व्हेन यू आर एजिंग फास्ट एंड यू आर एजिंग ग्रेजुअल, तो बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाती है. राइट. एंड अंडरवेट लोगों में नरिशमेंट की कमी से हॉर्मोन्स सही फंक्शन नहीं करते. लेकिन आम तौर पे वालिदैन की नजर होती उनके स्किन पे, वालिदैन की नजर होती उनके बाल पे. वालिदैन तब हम तक पहुंचते जब बच्चे का वजन 70-80-90 केजी है, बच्चा परेशान हो रहा है अपने फिगर को लेके, सोशल मूवमेंट बच्चे का प्रॉब्लमैटिक हो जा रहा है. तब तक बॉडी एक अलग जोन में आ जाती. कमी पेशी लेके हॉर्मोन्स जब बनना कम लगते, बॉडी फंक्शनिंग जब हिट होती, तब ऑटोमेटिकली बॉडी गेट्स इनटू एन मोड वेयर इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग फैट एज अ रिजर्व टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट. या दिस प्रोसेस सेट्स इन. कितने दिन अपनी बॉडी अंडरवेट रह के परेशान होंगी, अब उन्हें क्या करती, नाउ वट एवर इज कमिंग हैज टू बी स्टोर्ड इन फैट, और हल्लू हल्लू अपना नरिशमेंट कंप्लीट करती. जिससे यू आर गोइंग थ्रू डिफरेंट, मैं वही बता रहा हूँ कि ओबेसिटी एक ऐसी कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसकी कोई दवा इजाद इंसान नहीं कर सकने वाला है. ओबेसिटी एक ऐसी कॉम्प्लेक्स बीमारी है जो बदलते हुए वक्त में अपनी शक्ल, अपनी हरकत, हर चीज पे फर्क ला देती है. बाहर के हालात से इंसान की सोच, इंसान का मेंटल स्टेटस डिफर करता, ऑटोमेटिकली बॉडी फंक्शनिंग भी ऑल्टर करती. तो थोड़ी चीजें अपने हाथ में नहीं है, बट क्या चीज अपने हाथ में है, वो है बिगड़ती हुई सेहत पे रोक लगवाना और उन लोगों तक पहुंच जाना जिसका रात दिन का काम ही यही है. तो प्लीज अपनी सेहतों को ये बोल के पीछे मत डालिए कि बढ़ती हुई बच्ची स्लोली स्लोली वेट बढ़ जाता, शादी हो गया तो मोटे हो जाते, शादी हो गया तो मोटे होते मैडम, लेकिन शादी हो गया तो बच्चों के बाद ये मोटापा बीमारियों के तरफ लेके जाता. तो अपनी बच्ची को बीमारियों के हवाले कर रहे हैं ये सोचना है आपको, अपने बच्चों को आगे की सेहत, आप जैसा सोना चांदी एजुकेशन देना चाह रहे हैं, सेहत भी देना ये अपनी एक अहम जिम्मेदारी है. ये समझिए बात को. एंड प्लीज अगर आपके घर में ऐसे कोई भी हैं जिसकी उम्र चाहे कोई भी हो, अगर बच्चे बच्चियां हों जो अंडरवेट हैं, अगर लेडीज हैं जो डिलीवरीज के बाद भी अंडरवेट हैं, प्लीज रीच अस एट द क्लिनिक बिफोर द बीमारी टेक्स अ टोल ऑन यू. वी आर एट 9494378609. ये हम लोगों के नंबरात हैं, नंबरात को नोट करें. अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए आप इस नंबर पे कॉल करें, अपना नाम, अपनी उम्र, अपने हालात, जो आपका सेहत को लेके जो जरूरी है वो आप बता दें, अपॉइंटमेंट लें. इंशाल्लाह जब आप क्लिनिक पहुंचेंगे, क्लिनिक लेवल पे मेरे कंसल्टेशन से पहले आपका एक मुआयना किया जाता, आपके हॉर्मोन्स कैसा काम कर रहे हैं, आपकी अंदर मोटापे के वजह से या अंडरवेट होने के वजह से क्या कैफियत है, ये देखने के बाद अपन डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है. फिर आपका क्या बजट है, आप कितना अफोर्ड कर सकते, यानी शुरुआत तो करना बहुत जरूरी है. एंड प्लीज पीछे मत हटिए एंड गिव अस अ कॉल एट 9494378609. एब्सोल्युटली आपकी बातचीत होगी डॉक्टर सारा से, अलमास क्लिनिक मेहंदी पटनम में. आज ज्यादातर अपने लाइव क्वेश्चंस हम लाइव कॉल्स वाया इस फोन के लेते हैं. एक और जो हमारे पास सवाल आया है वो ये जानना चाहती है कि ये खातून एक हैं जो कि शी इज़ नॉट बेस्ड इन हैदराबाद, ये बाहर रहती हैं. इन्होंने हम लोग के शो के साथ कनेक्ट किया है वाया ऑनलाइन, इन्होंने हमारे शो को देखा है और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है टू गिव अस अ विजिट और अलमास में जाकर अगर इस प्रॉब्लम का है सोल्यूशन तो ये क्यों इस चांस को गवाए. ये कहती हैं कि कैन आई जस्ट गेट अ ब्रीफ कि मुझे कितने दिन ठहरना होगा, मुझे क्या साथ लाना होगा और मेरा ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो अप्रॉक्स कितना टाइम लेगा, बिकॉज आई एम नॉट बेस्ड इन हैदराबाद, मैं नॉर्थ से हैदराबाद आऊंगी ट्रीटमेंट के लिए. तो आप इनको क्या कहती हैं, अपना नाम मेहनाज बताती हैं जो कि दिल्ली में रहती हैं. परफेक्ट. देखिए पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जहां उम्मीद है, जहां जस्तजू है, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्ते खोल देते हैं.
ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जस्तजू कर रहे हैं, आप फ़िक्रमंद हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इसका इंतज़ाम ऑलरेडी आप और आपके जैसे लाखों लोगों के लिए कर चुका है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसका काम फैट फ्रीजिंग है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आपकी बॉडी पे सिर्फ एक बार किया जाए तो इसका रिज़ल्ट और ये टेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट है वो 30, 60, 90 डेज तक कॉन्स्टेंटली होते जाता। और इस टेक्नोलॉजी का मेन मुद्दा है कि आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली चर्बी, द टफ एंड द हार्ड फैट को हम फ्रीज डाउन कर दें, तो यू वी हैव डन अ जॉब। उसके बाद आपको यहाँ रहना या आपका आना जाना, आप नहीं भी आ जाए तो वो ठीक है। देखिए, हम लोगों से जुड़ के नॉट ओनली फ्राम तेलंगाना बट दुनिया तमाम के लोग जुड़ के हमारे साथ अपना वेट कम करा रहे हैं। जो लोग इंडिया में नहीं रहते उन लोगों के साथ भी इसी टाइप का ट्रीटमेंट किया जाता। ज़रूरत है कि आपकी मेरे पास एक या दो विजिट, दैट्स इट। एक बार हम फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो आपके रिपोर्ट एनालिसिस के साथ, आपके बजट के से जैसे हम अपना ट्रीटमेंट पैटर्न डिसाइड कर लेंगे। आपकी उम्र अगर आप बता दें तो आपके साथ अगर कोई बीमारियां जुड़ी हैं, आपके दवाइयों का डोसेजेस क्या है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वी विल स्टार्ट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एक चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा कि अपने साथ जब आप कंसल्टेशन लेने आ रहे हैं तो प्लीज़ गेट समवन हु इज़ स्टेइंग विथ यू इन द हाउस, क्योंकि जैसा जैसा वेट कम होगा, थेरेपी तो मैं आपको वन टाइम ट्रीटमेंट भी करके दे सकता हूँ, फिर आप चले जा सकते दिल्ली, फिर वहाँ से एवरी संडे आप यू कैन गेट इन टच विथ अस, हर वीक का आपका डाइट प्लान आप तक पहुंचा दिया जाता। उस डाइट प्लान आपने कितना फॉलो किया, आपको कितना रिजल्ट आया, आप मुझे फीडबैक दे दें तो फिर आपका नेक्स्ट प्लान। दिस इज हाउ वी कोऑर्डिनेट विद पीपल हु आर नॉट इन स्टेशन विद अस। तो जो लोग आउट स्टेशन हैं उनको एक या दो विजिट करना जरूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टेस्ट कराने के बाद, फैट फ्रीजिंग कराने के बाद उनकी सेहत में बेहतरी आती, शुगर लेवल्स बेटर होने लगते, दवाइयों की कमी के चांसेस होते। तो कोई एक जने होना चाहिए रिस्पॉन्सिबली उनका डेटा नोट करने के लिए। अगर ये कम हो रहा है तो हम डाइट्स उस हिसाब से देंगे। इन द मिड टाइम एक स्टेबिलिटी अगर आ जाए तो हम डॉक्टर्स के पास जाके कम करवा सकते हैं अपना मेडिकेशन। या सो व्हाट आई मीन टू से, जो लोग आउट स्टेशन है, जो लोग हमसे यहां नहीं जुड़ सकते, उनका काम सिर्फ एक विजिट या दो विजिट का है। उसके बाद आप दिल्ली चले जाएं या आप अमेरिका चले जाएं, यू कैन बी इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप। हर हफ्ता आपको वेट चेक करके मेरे को बोलना है, हर हफ्ता मेरे को एक नया डाइट प्लान बना के आप तक पहुंचाना है। वो डाइट जैसी कंडीशन में है वैसा आप मेरे को फॉलो कर लें। फिर भी अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। और ऐसे करके हम एक डेटा मेंटेन करेंगे, हर हफ्ता आपका कितना वेट कम हो रहा है। जो लोग लोकल हैं उनके साथ भी यही किया जाता। वेट मैनेजमेंट को वीकली टारगेट लेके मैं करता हूँ, कितने वीक्स में कितना वेट मैनेजमेंट, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आपको हम लोग कंसल्टेशन के टाइम में सेट कर देते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राई टू रीच द टारगेट्स दैट वी आर सेटिंग फॉर यू। एक्सीलेंट। वो तमाम नाजरीन जो हमारे साथ हैदराबाद से इस वक्त जुड़े हैं, उनको तशरीफ लाना है मेहंदी पट्टनम अलमास क्लिनिक। और जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, वो तमाम लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, इस शहर में नहीं बाहरी नॉर्थ साउथ या वेस्ट में अगर हमारे साथ हुए तो उन्होंने इस तरह से अलमान को अप्रोच करना है अलमास को, और इस तरह से उनका ट्रीटमेंट जो है वो बिगिन होगा। ये तमाम ऐसी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जब लव्स बीमारी आता है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो जाहिर है स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ ही जाता है। डॉक्टर सारा आपको बताएंगी कि स्ट्रेस के भी क्या नतीजे होते हैं। एक शख्स हमारे साथ है, अपना नाम आदिल बताते हैं, हैदराबाद में आप रहते हैं, और ये कहते हैं कि स्ट्रेस कभी ऑफिस को लेके, वर्क प्लेस को लेके, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर या फिर अपने औलाद बच्चों को लेकर, स्ट्रेस तो आजकल एक बड़ी आम सी चीज बन गई है। लोग कहते हैं स्ट्रेस से बचो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेस है कि वो मुझसे दूर नहीं होती, और मेरे ख्याल से स्ट्रेस की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। ही इज गोइंग थ्रू हेयर फॉल, ही इज गोइंग थ्रू ओबेसिटी, इनकी स्किन पे भी उसका जो बैड रिजल्ट्स जो हैं वो स्ट्रेस से दिख रहे हैं। सो व्हाट कैन अलमास डू फॉर हिम? Adil bhai, the first thing is, if we can't change the problem, we have to change the solution to the problem. Simple as that. Welcome. When we cannot change our lifestyle, which has become a prominent problem in today's world, and
something that cannot be persistently changed by today's human being is stress. Yeah, because normal insan jo ghar pe baitha hua hai, subah subah aap dekhiye ghar ke khawateen ko ye stress rehta ki kaam wali aati hai nahi aati. Well, you know, the stress is a very very common and very much ongoing problem. Very so let's common, keep that aside. Very ongoing problem. So let's tackle the problem. Bilkul. Stress to apni jagah hai bhai. Insan apni tabiyat se अपनी तबीयत से मजबूर है. कोई लोग बड़े से बड़ी तकलीफ भी तो स्ट्रेस नहीं लेते. बिल्कुल. थोड़े लोगों को छोटी छोटी बातों से भी स्ट्रेस होता है. तो इंसान अपनी तबीयत के हाथों परेशान है. दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट. दैट इज अ वेरी एक्चुअली इट्स अ वेरी टैकेबल प्रॉब्लम. बट देन इट्स पर्सन टू पर्सन हाउ वी आर आवर पर्सपेक्टिव टू द प्रॉब्लम. वी विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस में है सो बंदे का फर्स्ट थिंग क्या होता है कि उसका नींद के पैटर्न सही नहीं होते. सो दैट मीन्स a person who is not sleeping is going not body is not going to go in repair. Oho, right. देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने को कैसा बनाए कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जल्दी सो जाया करो. देयर इज अ रीजन फॉर दैट. दिन तमाम का काम बॉडी जैसा करती वो है आपके ग़िज़ा का इस्तेमाल करना एंड जो ज़रूरियात है आपके हार्ट की जो ज़रूरत है आपकी किडनीज की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना. बट रात के टाइम बाद मगरिब इशा के वक्त से फजर के वक्त तक आपकी बॉडी को ये हुक्म होता कि रिपेयर मैकेनिज्म दिन तमाम में ब्रेन सेल्स जो इस्तेमाल हुए हैं वो रिस्टोर करना है बॉडी को. दिन तमाम में इंसुलिन जो पैनक्रियाज बना चुके हैं ताकि आपको शुगर ना आए उस दिन वो सेल्स उसको वापस रिपेयर करना है. दिन तमाम में बाल जितने झड़े हैं रात में वो न्यू सेल्स उसको स्टोर अप करना है. इसीलिए देखिए बाल तो सबके झड़ते हैं लेकिन बच्चों के इमीडिएटली आ जाते हैं. बढ़ती हुई उम्र में स्लो बाल आने लगते हैं. या द पॉइंट इज कि स्ट्रेस के वजह से बॉडी के प्रेफरेंसेस एंड फंक्शनिंग बदल जा रही है. यहाँ पे इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपने को ये बात भी समझना है कि स्ट्रेस इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर फूड चॉइसेस आल्सो. बहुत टेंशन में है सो आदमी जाके आइसक्रीम खाना चाहता ना कि जाके ब्रोकली खाना चाहता. सिंपल एज दैट. So you need to understand what is stress doing to you. It is trying to change the food choices in you. Yeah? And jiski wajah se, glucose metabolism hai, and energy homeostasis hai, insulin resistance hai, ye sari cheezon mein bhi tabdiliyan aate. And you store fat. This fat can be easily destroyed by either, cryolipogenesis, by either ultrasonic liposuction. It can be done with laser lipolysis, तो इस बात को समझते हुए प्लीज रीच अस एट द क्लिनिक. वी कैन स्टिल टैकल दिस प्रॉब्लम लाइक द बैक ऑफ माय हैंड. वी कैन स्टिल टैकल द प्रॉब्लम. ये आपसे ऑन एयर कहा जा रहा है हेल्थ केयर शो में लाइव. डॉक्टर सारा आप तक ये बात पहुंचा रही हैं. वी कैन टैकल द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम हम तक आप बशर्त है कि लेकर आइए पहुंचाइए इंशाल्लाह जरूर ट्रीटमेंट और सोल्यूशन डॉक्टर सारा अलमास क्लिनिक मेहंदीपट्टनम आप तक पहुंचाएगा. फिलहाल खवातीन हजरात वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे पे जाने का. रहिएगा हमारे साथ. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे.